हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? पता है आप लोग बढ़िया नहीं होंगे, क्योंकि मार्केट का जो हाल है बहुत बुरी तरीके से पिट रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, क्या ये पहली बार हो रहा है आपको लगता है? अगर आप मार्केट पे नए हैं तो आपको लग रहा होगा ये शायद मेरा इन्वेस्टमेंट जो है वो इतना नीचे जा रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये हर मतलब ऑल्टरनेट साल पर ये आता रहा है, हर ऑल्टरनेट साल पर ये इतना डंप होता रहा है। तो इस पर कोई इतना ज़्यादा पैनिक करने का बात नहीं है। हाँ, अगर आपने फुलिश तरीके से बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दिया है मीम कॉइन्स और ये सब कॉइन्स में, तो आपको थोड़ा बहुत चिंता करने का बात है। लेकिन अगर आप स्ट्रॉन्ग कॉइन में इन्वेस्टेड है तो आपको कोई चिंता करने का बात नहीं है। तो चलिए सीधा मार्केट पे देखेंगे आज के मार्केट कितना परसेंट डाउन है, बिटकॉइन का क्या हाल चल रहा है, इथेरियम का क्या हाल चल रहा है, और क्यों, सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्यों मार्केट का ऐसा दशा हुआ है, ऐसा हाल हुआ है, और आपको क्या करना चाहिए। और इसके साथ साथ काफ़ी बड़े बड़े अपडेट्स हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव और काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, कंप्लीट एंड तक देखिएगा। और अगर आप लोगों ने मुझे पहली बार देखा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट भी छोड़ देना। तो चलिए सीधा स्क्रीन पे। तो यहाँ पे फिलहाल आप मार्केट पे देख पा रहे होंगे, मार्केट जो आज डाउन है 5.53% जो है वो मार्केट डंप पे चल रहा है, पूरा डाउन चल रहा है। और अगर हम बिटकॉइन का बात करें तो यहाँ पे बिटकॉइन देख सकते हैं 6.98% बिटकॉइन जो है वो नीचे चल रहा है, बुरी तरीके से, बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से मार्केट जो है वो पिट रहा है। अभी अगर हम बात करें बिटकॉइन का, तो बिटकॉइन का हाल जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं डाउन 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 ही जा रहा है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे बिटकॉइन जो है उसने $25,000 तक आके टच कर लिया है। अब बात ये है कि क्या ये यहाँ तक रुकेगा या और भी नीचे जाएगा? तो मैं आपको बता दूं, करंटली यहाँ पे कोई सपोर्ट जोन नहीं है, यहाँ पे कोई भी सपोर्ट जोन नहीं है। अगर नीचे सरकना है इसको, अगर कुछ और ऐसा कुछ होता है तो नीचे और भी सरक के जा सकता है, यहाँ पे नीचे और भी जा सकता है। यहाँ पे देख सकते हैं एक छोटा मोटा सपोर्ट है $24,000 के आसपास, यहाँ पे $24,000 पे अगर आएगा तो यहाँ पे एक सपोर्ट ले सकता है। लेकिन $25,000 से $24,000 में आने में समय नहीं लगेगा, ये शायद आपको आज ही के दिन देखने को मिल जाए, ये कल आपको देखने को मिलेगा। $24,000 को टच करने पॉसिबिलिटीज जो है वो बहुत ही ज्यादा हाई है। यहाँ पे मार्केट करंटली इतना ज्यादा डंप हुआ है कि अभी ये मतलब अभी एक दो घंटे में अगर ये $24,000 तक चला जाए तो कोई ताज्जुब नहीं होगा। मार्केट जो है, और अगर आपको लग रहा है, अगर आपको मैं ये बता दूं, अगर आपको लग रहा है ये पहली बार हो रहा है, तो भाई मैं आपको बता दूं ये पहली बार नहीं है, हम सब ने ऑलरेडी देख ही चुके हैं। 2018 में देखा, 2021 का बिगिनिंग में देखा, काफी बार हम लोगों ने ये ऐसा डंप जो है वो ऑलरेडी देख ही चुके हैं। तो अभी अगर हम बात करें कि यहाँ से अगर ये बाउंस करेगा तो कहाँ तक जा सकता है, आप लोगों को पता होगा $30,000 जो इसका एक बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट जोन था, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था, वहाँ पे अभी ये सपोर्ट जोन हो गया कन्वर्ट रेजिस्टेंस में। अभी यहाँ से अगर बाउंस बैक होता है तो यहाँ पे आके इसको एक रेजिस्टेंस मिलेगा $30,000 पे, और यहाँ से अगर ये ब्रेकआउट होके जाता है तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे आपने ये ऑलरेडी $32,000 को जाके बहुत बार टच कर चुका है। तो यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस है ये काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुका है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है कि इसको ब्रेक कर सके। लेकिन साथ ही साथ मार्केट को अच्छा एक सेंटिमेंट का काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, जो कि करेंटली मार्केट पर बिल्कुल भी नहीं है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे इथेरियम का, तो इथेरियम भी आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी तरीके से डंप है, पूरी तरीके से नीचे आ रहा है, बहुत बुरी तरीके से जो है इथेरियम भी पिट रहा है। तो अब बात आता है कि मार्केट जो है इतना बड़ा डंप क्यों आया? अभी तक एक सीक्वेंस वाइजली एक डंप आ रहा था, छोटा छोटा डंप आ रहा था, लेकिन अभी इतना बड़ा एक ही साथ डंप क्यों आया? इसका पीछे कारण जो है वो इथेरियम का है। अब सब लोगों को पता होगा इथेरियम जो है वो 2.0 में शिफ्ट हो रहा था, 2.0 आ रहा था इथेरियम का, जो कि वो एक प्रूफ ऑफ वर्क से जाके प्रूफ ऑफ स्टेक में शिफ्ट हो रहा था, प्रूफ ऑफ वर्क से जाके प्रूफ ऑफ स्टेक में शिफ्ट हो रहा था। अगर आपके पास 32 इथेरियम है तो आप जाके वहां पे 32 इथेरियम को स्टेक करके वहां पे अब वैलिडेटर बन सकते थे। लेकिन वहां पे बीच में एक कंपनी निकल कर आया जिसका नाम है लीडो। अब लीडो में क्या होता है, वहां पे अगर आपके पास 32 इथेरियम नहीं है फिर भी आप वहां पे जाके वैलिडेटर बन सकते हैं। आपके पास जितना भी इथेरियम है उसको वहां पे रख के आप वैलिडेटर बन सकते हैं। अब जितना भी इथेरियम है वहां पे रखेंगे तो आपको उसका रिटर्न जो है वो एसटी इथेरियम मिलेगा, मतलब सेम इथेरियम का जैसा ही वैल्यू है वो एसटी इथेरियम मिलेगा। उन्होंने ये ऑप्शन दिया कि वहां पे आप जाके एक वैलिडेटर भी बन सकते हैं जितना भी इथेरियम है उसको रख के, साथ ही साथ आपका जितना इथेरियम आप वहां पे स्टेक करेंगे वो ब्लॉक नहीं होगा, उसके रिटर्न आपको एसटी इथेरियम जो है वो दिया जाएगा। तो ये एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही एक बढ़िया ऑप्शन था, क्योंकि आप स्टेक भी कर पा रहे थे और वहाँ पे आपका जो इथेरियम है वो ब्लॉक भी नहीं हो पा रहा था, क्योंकि वहाँ पे उसके बदले आपको एसटी इथेरियम मिल रहा था। तो अब ये सुंदर प्रोसीजर सब चल रहा था, अब वहाँ पे ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से जो मार्केट है डाउन हो गया? अब वहाँ पे बीच में और एक कंपनी आ गया जिसका नाम है एलिमेंट रिसर्च, जो कि एक FTX का फाउंडिंग कंपनी है। अब उसने क्या किया, उसने वहाँ पे जाके 50 एसटी इथेरियम जो है उसको निकाल लिया। उसको निकालने से क्या हुआ, पूरा मार्केट पे लिक्विडिटी पोल पे इम्बेलेंस हो गया, जिसके वजह से मार्केट पे एक पैनिक क्रिएट हो गया।
50 Ethereum अगर निकालते हैं तो वहाँ पे एक पैनिक जरूर क्रिएट होगा कि वो भी एक बहुत बड़े अमाउंट, बहुत बड़े एक नंबर पे पैसा है। अब वहाँ पे और एक चीज़ हुआ, आप लोगों को अगर पता होगा सेल्सियस जो कि एक सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है, जो अगर वहाँ पे अगर आप कुछ भी चीज़ें रखेंगे तो उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, आप जितना भी क्रिप्टो रखेंगे वहाँ पे इंटरेस्ट मिलेगा। तो उन लोगों के पास वहाँ पे 450,000 ST Ethereum जो है वो था, जिसका अगर हम वर्थ की बात करें तो 1.5 बिलियन उसका वर्थ था। अब वहां पे ऐसा क्या हुआ, जब ये एलिमेंट रिसर्च है जब 50 ST Ethereum जो है वो निकाला, तब वहां पे मार्केट में पैनिक क्रिएट हो गया, जिसके वजह से यहाँ पे हम बात करें सेल्सियस पे, तो सेल्सियस पे भी एक बहुत ही बड़ा पैनिक क्रिएट हो गया, जिसके वजह से ओवरऑल मार्केट पे एक पैनिक क्रिएट हो गया। लोगों को ये लगने लगा कि सेम कुछ इस तरह ही लूना के साथ भी हुआ था, जिसके वजह से लोगों का माइंड में बहुत ज्यादा पैनिक क्रिएट हो गया और लोग जो है अपना वो पैसा जो है वो निकालने लग गए, मार्केट पे होल्ड करने लगे या प्राइवेट वॉलेट में शिफ्ट करने लग गए। इसके वजह से मार्केट जो है पूरा एक तहस नहस हो गया, जिसके वजह से सीधा इफेक्ट आप सब लोगों को पता होगा, इथेरियम और बिटकॉइन जो है वो मदर फादर है हमारा क्रिप्टो मार्केट का, तो इन लोगों के साथ अगर कुछ भी चीज़ें होता है तो पूरा मार्केट पे पैनिक क्रिएट होता है। तो इसके वजह से जो है वो बिटकॉइन में भी इफेक्ट देखने को मिला, और अगर बिटकॉइन में इफेक्ट देखने को मिला तो पूरा क्रिप्टो मार्केट में हमको इफेक्ट देखने को मिला। तो ये था इसका छोटा मोटा कहानी कि क्यों मार्केट जो है वो डंप गया। यही कुछ चीज़ें होता है, यही कुछ मैनिपुलेशन होता है जिसके वजह से मार्केट जो है वो डाउन में जाता है, पूरा क्रिप्टो मार्केट जो है वो डाउन में जाता है। तो इससे बचा कैसे जा सकता है, इससे बचा सिर्फ एक ही तरीके से जा सकता है, वो है रेगुलेशन। रेगुलेशन एक ऐसा चीज़ है जो कि क्रिप्टो मार्केट पे काफ़ी ज़्यादा बड़े नंबर पे इन्वेस्टर्स को भी लाएगा और ऐसा मैनिपुलेशन और ऐसा कुछ भी चीज़ें होने से बचाएगा। अब वो कैसे होता है, मतलब रेगुलेशन कैसे होना है, रेगुलेशन होने से क्या क्या फ़ायदा है, उसका ऊपर मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट एक डेडिकेटेड वीडियो है, मैं ऊपर आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप जाके वहां पे चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, वो आपको जरूर चेकआउट करना चाहिए अगर आप मार्केट को समझना चाहते हैं। तो ये था कुछ कारण जिसकी वजह से मार्केट पे इतना हड़बड़ी मचा, मार्केट पे इतना सारा कुछ चीज हुआ। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह आता है, क्या मार्केट यहाँ से रिकवर करेगा? तो 110% डेफिनेटली मार्केट जो है वो रिकवर करेगा, यहाँ से रिकवर ना करे तो मार्केट और भी नीचे जाएगा, वहाँ से रिकवर करेगा, लेकिन रिकवर करेगा जरूर, ये $100,000 तक ये जाएगा जरूर, आज जाए या एक साल बाद जाए, लेकिन जाएगा जरूर। तो अब बात करते हैं हमारा और एक इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में, यहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने जैसे बताया सेल्सियस जो है 450,000 ST Ethereum जो है वो लोग होल्ड कर रहे थे, 1.5 बिलियन का उसका वर्थ था, तो वहाँ पे एक हड़बड़ी मच गया। तो वहाँ पे हड़बड़ी मचने का कारण भी मार्केट पे बहुत ही ज़्यादा नंबर पे पैनिक आया। तो ये जो इसका जो ये जो फॉर्म है सेल्सियस फॉर्म, तो इसने क्या किया यहाँ पे देख सकते हैं, क्रिप्टो लैंडिंग फॉर्म सेल्सियस पॉजेस विड्रॉल्स एंड ट्रांसफर्स साइटिंग मार्केट कंडीशन, मार्केट की कंडीशन देख के करेंटली उन्होंने अपना विड्रॉल और अपना जो डिपॉजिट है उसका पॉज कर दिया है। तो ये एक काफ़ी बढ़िया मार्केट पे एक मतलब वॉल्यूम आना था, तो अब वॉल्यूम नहीं आएगा मार्केट पे, पॉजिटिव तरीके से भी वॉल्यूम नहीं आएगा, नेगेटिव तरीके से भी वॉल्यूम नहीं आएगा, मार्केट एक पॉज हो गया सेल्सियस की तरफ से। तो ये एक क्या बोलूँ मार्केट पे, हाँ ये इससे बचा सकता है मार्केट को अभी इतना बड़ा पैनिक से, ये एक सेव कर सकता है, लेकिन साथ ही साथ मार्केट में वॉल्यूम पे भी हमको डिक्रीज देखने को मिलेगा। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट न्यूज़। अब बढ़ते हैं और एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक्सेप्टिंग क्रिप्टो पेमेंट ए प्रायोरिटी फॉर मेजोरिटी ऑफ US रिटेलर्स। US से आप लोगों को पता होगा अमेरिका पे जो कि एक बहुत ही एक बढ़िया क्रिप्टो का वहाँ पे सराउंडिंग चल रहा है, क्रिप्टो को लेके बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वाइब है US में, अमेरिका में। तो US में आप सब लोगों को पता होगा 90% जो है वो ग्रोथ हुआ है बिजनेसेस में क्रिप्टो के साथ। तो यहाँ पे क्रिप्टो को एक्सेप्ट करना एज ए पेमेंट मेथड यहाँ पे एक प्रायोरिटी बन चुका है लोगों का। अगर बहुत ही ज़्यादा बिजनेसेस पे ये अगर नहीं होगा क्रिप्टो का एज ए पेमेंट पे करना, तो लोग जो है वो वहाँ पे जाके बाई नहीं कर रहे। तो ये काफ़ी बढ़िया, ये सुनने में भी काफ़ी सुकून सा मिलता है कि हाँ क्रिप्टो जो है वो काम में आ रहा है, क्रिप्टो अल्टीमेटली क्रिप्टो जो है वो वहाँ पे एक्शन पे आ रहा है। तो ऐसा जो है ऐसा हमको चाहिए भाई, बहुत ही जल्दी हमको ये पूरा दुनिया में देखना चाहिए, क्योंकि हमारा जो जितना भी इन्वेस्टमेंट है वो आसमान छुएगा, रॉकेट होगा। तो ये था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही सुकून वाला न्यूज़ पूरा मार्केट का ये नेगेटिव न्यूज़ के बाद। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारा इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है चार्ट जो है या हम मैंने जितना भी चीज़ें बताया वो सब आपको पसंद आ गया। अगर आपको इन सभी चीज़ों में कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी क्वेरी है, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना, साथ ही साथ वीडियो में एक कमेंट भी दे देना। चलिए इसी के साथ करते हैं अभी का ये वीडियो खत्म, टाटा बाय बाय, थैंक यू।